हेलो फ्रेंड्स, क्या आप इंडिया के टॉप वंडर बॉय से मिलना चाहोगे? यस, ऐसे बॉयज जो इंडिया के टॉप थर्ड एक्टिवेटर बॉय है। यस, काफ़ी अमेजिंग होने वाला है। ये लाइव इंटरव्यू होने जा रहा है, एंड तक जरूर देखिए। इतना मज़ेदार ये इंटरव्यू, क्या कहूँ मैं, मज़ेदार, लाइफ बदलने वाली है, एंड तक जरूर देखिए। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम योगेश और आज जो हमारे साथ ऐसे स्टूडेंट है जिन्होंने थर्ड एक्टिवेशन पहले दिन में ही एक्टिवेशन किया और उनका हम स्वागत करते हैं। हमारे साथ है देवांशी एंड दुर्गेश, इन दोनों ने पहले दिन में ही आंखें बंद करके उनको दिखाई दे रहा है और हमने उनको इनवाइट किया है इंटरव्यू में। उनका हम लाइव इंटरव्यू करने वाले हैं, ये वीडियो अंत तक देखिए, जिंदगी बदल देने वाला है और इनके एक्सपीरियंस सुनेंगे क्या उनका अनुभव था। तो दोनों के बच्चों के लिए जोरदार क्लैप बजाइए, जोरदार जोरदार जोरदार। वेरी नाइस, वेलकम टू यू दुर्गेश, एंड आपको सभी का स्वागत है। मम्मी पापा भी उनके साथ है। आप जो है कहाँ के हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, कौन से स्टैंडर्ड में आप पढ़ते हो, आपका नाम क्या है, सभी को बताओ आप दोनों। सर, मेरा नाम दिव्यांशु भोलानाथ पाटिल है। हमारा गांव गोरखेड़ा, 40 गांव तहसील। ओके, कौन सा स्टैंडर्ड है आपका, कौन से क्लास में हो? फोर्थ में हो। वेरी नाइस। और आप दुर्गेश? सर, मेरा नाम दुर्गेश, मैं फोर्थ स्टैंडर्ड में हूँ। हमारा गांव बोरखेड़ा, डिस्ट्रिक्ट जलगांव, और हम परमानेंट रहते 40 गांव पर, हम फिलहाल मुंबई में। मुंबई में है, ओके। 40 गांव जलगांव से है, अभी मुंबई में है। सर, आपने आपके दोनों बच्चों का थर्ड एक्टिवेशन आपने कोर्स लगाया है, आपको कैसे पता चला सर थर्ड आई के बारे में? बच्चे आंखें बंद करके देखते हैं, आपको कैसे पता चला इस चीज के बारे में? सर, हमको ये फेसबुक के माध्यम से पता चला। सर, हम फेसबुक देख रहे थे तो उसमें हमको एक लिंक मिला सर, और लिंक को हमने ओपन किया। यस, उसमें हमको कैट नंबर, हमने वो वीडियो देखा सर, वो हमको वीडियो अच्छा लगा तो हमको भी लगा, तो हमने कॉन्टेक्ट करके उसको देखते हैं क्या चीज है क्या नहीं, तो हमने फिर कॉन्टेक्ट नंबर पे आपको फोन किया सर। उसके बाद फिर आपको यकीन नहीं आ रहा था कि क्या होगा क्या नहीं होगा, ये मतलब सही या क्या है। तो बाद मैं बोला ठीक है, क्लास बैठ, कोई ज्यादा अमाउंट नहीं है, तो हमने क्लास बैठ किया, तो हमने हमको बहुत अच्छा लगा सर, क्लास बैठ। बरोबर। अभी देखिए माय फ्रेंड्स, इन्होंने हमारा 30 डेज का प्रोग्राम लिया है, अभी इनका कोर्स चालू ही है। हमारा 30 दिनों का वर्कशॉप है। अभी आपको कौन सा दिन चालू है सर? बच्चों, आप कौन सा दिन देख रहे हो? विच डे यू आर सेइंग नाउ? सर, अभी कौन सा है? 12th, ओके, 12th डे है। 12 दिनों में वीडियो जो है ना भेजते हो, सिक्स डे में ही इतने अच्छे रिजल्ट, और मैं उनके साथ इंटरव्यू ले रहा हूँ। एक महीने तक इनका काफी अच्छा प्रोग्रेस होगा। तो देवांशु और आप मुझे बताओ कि आंखें बंद करके आप क्या क्या कर सकते हो, बंद आंखों से आपको क्या क्या दिखाई देता है? दुर्गेश, देवांशु? सर, मैं बुक में से पढ़ सकता हूँ और पिक्चर देख सकता हूँ, और जो टीवी पे जो कार्टून चलता है उसके अंदर का मैं बता सकता हूँ, मोटू पतलू का कार्टून चालू है। ओके, मोटू पतलू। ओके, नाइस नाइस नाइस। सो काफी बच्चे जो है एक्टिव है और काफी यानी चीजों करने के लिए इतने उत्साहित होती है। जैसे मुझे रोज वीडियो आते हैं, हमने ये किया वो किया, रीडिंग करते है, यो करते है, और बोलने में भी इतने माहिर है कि वो शांत नहीं बैठते। ओके, ऐसी ही एनर्जी बच्चों की चाहिए जब भी जाके आगे कुछ कर सकते हैं। और ये एनर्जी इसलिए भी कि सर अभी वो मिलिट्री एरियाज में, यानी सर आप मिलिट्री में काम करते हो और मुंबई में आप जो है आपने कहा कि वहां पे आप वहां पे उस पोस्ट पे हो। सर, आप क्या करते हैं एक्चुअली, हमें बताइए सभी को, आप कौन से पोस्ट पे है? CRPF में जॉब करते हैं सर हम। ओके, CRPF में है, नाइस। अच्छा, तो हमारा इधर पोस्टेड है सर, हम अभी मुंबई में तलोजा में सर, 102 बटालियन। अच्छा अच्छा, हम 2 साल से अभी। ओके, नाइस नाइस। सर, आपने पहली बार उसको देखा, और काफी लोग डाउट लेते हैं कि बच्चे नीचे से देखते हैं या फिर झूठ बोलते हैं, आंखें बंद करके ये झूठ है, ऐसे काफी लोग सोचते हैं क्योंकि ये नया साइंस है। लेकिन आपका क्या अनुभव रहा है बच्चों के लेवल पे, या मैम आपका क्या अनुभव रहा है,
कि सच में आपके बच्चे झूठ बोलते हैं नीचे से देखते हैं, या फिर ये बकवास है, ये झूठ है? आपका क्या है, आपका क्या ये रहेगा सर? पहले ऐसा ही लगता था सर खुद को भी कि ये तो झूठ ही होगा शायद, लेकिन हाँ। जब हम ज्वाइन किया उसके बाद में जब हम बच्चे के देख रहे हैं सर मेरे आंखों के सामने, हाँ खुद पट्टी बांधते हैं और पैटर्न लगाते हैं, यस यस, तो उसमें खुद भी रहता है सर, तो हमको यकीन नहीं हो रहा था कि अभी आगे वाले को यकीन नहीं हो रहा था कि दिखाई देता होगा, हमको पूरा कॉन्फिडेंस है सर कि बहुत ही मतलब अच्छा लग रहा है सर हमको, क्योंकि हम खुद भी ट्राई किया सर हमारे तो हमको कुछ भी नहीं दिखाई देता सर, और उससे ज्यादा हम उनको डबल कॉटन लगा के उसके बाद फिर पट्टी बांधते हैं, तो उसका तो भी नहीं सर देखने का, तो लेकिन पूरा के पूरा रीडिंग वगैरह जो चाहे वो पहचानते हैं सर, पैर के नीचे कोई भी पर्ची रख दो और पैर के नीचे भी पढ़ सकते है, सुई में धागा डाल सकते हैं सर, डालते हैं मतलब पूरा जो भी हो कोई भी चीज, और जैसे हम ऐसे बिना पट्टी बांधे करते हैं उससे ज्यादा क्लैरिटी के साथ उनको दिखाई देता है। ओके नाइस नाइस, ये देखो 6 दिन में बच्चों की इतने जबरदस्त रिजल्ट है कि वो आंखों से भी क्लियर उनको दिखाई देता है। हम प्रैक्टिकली देखेंगे, दुर्गेश और देवांशु का पट्टी बांध के एक्सपेरिमेंट करेंगे। चलो आप दोनों पट्टी बांधो फिर से, आप आंखों पे पट्टी बांधना है, अभी हम चेक करेंगे कैसे आपको क्लोज आई से दिखाई देता है। देखिए कॉटन लगा रहे हैं, यस आईज क्लोज है, ओके कॉटन रखेंगे तो आईज खोलेंगे तो क्या होगा, कॉटन आईज में जाएगा, इसलिए कॉटन हमने लगाया है उनके सेफ्टी के लिए। और जो थर्ड आई का पोर्शन है वो ओपन होना चाहिए, तभी जाके उनको अच्छे से क्लियर दिखाई देगा। वेरी गुड, अभी कॉटन से उनकी आंखें पूरी तरह से बंद करना है, ठीक है। और इनके वीडियोस आते हैं व्हाट्सएप के ऊपर, मैंने यूट्यूब के ऊपर भी डाले हैं, और काफी अच्छा उनके अंदर प्रोग्रेस है, रोज नए नए एक्टिविटीज करते रहते हैं और होशियार भी बहुत है। दुर्गे जो है रोजाना कहता है कि मैं 1 घंटे का मेडिटेशन करता हूँ। ओके, ये मेडिटेशन की पावर और हमारी थर्ड आई की ये पावर है, इससे हमारा विजुअलाइजेशन पावर बढ़ता है। मैम कोई भी चीज उनके हाथ में दीजिए, देखो तुरंत वो पहचानेंगे अभी तुरंत। ओके कोई भी चीज, हाँ उसको कोई दिख नहीं रहा है, यस पैक कर दिया पूरा पैक। एलिफेंट ओके, एलिफेंट है ग्रीन कलर का, ओके वेरी नाइस। ये क्या है बोलो देवांशु? विलेज रेड एंड येलो, रेड एंड येलो, वाह विलेज नाम है, नाइस। फॉक्स ब्लैक एंड येलो, ब्लैक एंड येलो फॉक्स है, वेरी नाइस। संतोष ग्रीन एंड व्हाइट, वाह ग्रीन एंड व्हाइट संतोष, वेरी नाइस। शिवाजी व्हाइट और ग्रीन, वेरी नाइस। अभी ये सर वन बुक भी पढ़ के दिखा सकता है ऐसे लेकर के, अरे वाह फ्लिप करके भी किताबें पढ़ सकता है, ओके वेरी नाइस। 18 नंबर या फिर 19 नंबर, ओके अभी नंबर बोला है मैम ने 18 19, वो निकाल के दिखाएगा, अभी उसने निकाल के दिखाया सर, वेरी नाइस। अरे वाह 18 19, ओके अभी आप कम दिखाई दे रहे हैं लेकिन आप देख रहे हो उन्होंने पेज निकाला है बरोबर, आप पढ़ सकते हो। हाँ पढ़ो बेटा। Reading comprehension, joint family, joint families are quite common in India where parents picture एक 150 लोग है और बड़ा घर है और वहाँ पे 1000 रुपया बनती है एक घर में। ओके दिखाओ यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे रोटियां बन रही है, दो औरतें रोटियां बना रही है, वेरी गुड वेरी नाइस। दुर्गेश आपने काफी, हाँ हाँ आपके पास भी आते हैं, देवांशु के पास दीजिए कोई बुक पढ़ने के लिए, उनके दोनों बच्चे का एक्टिवेशन हुआ है और काफी जल्दी उन्होंने ये चीजें करी है और काफी अच्छे रिजल्ट आए दोनों के। यस देवांशु, हाँ बोलो, मैं बोलू कुछ पेज नंबर बोलू मैं, आप निकालोगे पेज नंबर 21 निकालो, 21 21, चलो मैं एक नंबर बोलता हूँ 21 निकाल के दिखाओ। सर बरोबर है सर 21, अभी तो हमें दिखाई तो नहीं देता होगा, यहाँ से अभी नहीं दिखाई देता है, आप बताओ सर बरोबर है? यस सही, हाँ सही है सही है, वेरी नाइस। उसके ऊपर क्या इमेज है बोलो, 21 पेज नंबर पे क्या इमेज है बोलो देवांश? सोने का बंडल है इधर, हाँ बनाना है,
और एक ही एड़क का है। हाँ एड़का एड़का एक की मात्रा है। हाँ बगानी वाचा बगानी वाचा वेरी नाइस ओके दिखाओ पेड़ भी है पेड़ भी है दिखाओ दिखाओ हमें दिखाओ बनाना है पेड़ है वाह 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 एड़का भी है एड़का भी है नाइस प्लेयर प्लेयर है प्लेयर सॉरी मुझे लगा प्लेयर है क्रिकेट वाला प्लेयर है वेरी नाइस वेरी गुड चलो पट्टी निकालो दोनों अच्छा अच्छा वो देते हैं हाँ दीजिए मैम हाँ हाँ दीजिए कौन सी बुक बताओ बताओ चित्र कथा सार ये देखो सर इतना बारीक है ना अभी हाँ, इसमें जब फेस ढूंढ के दिखाएगा ये हाँ बहुत छोटे अक्षरों में है आप बताओ सर कोई भी पेज नंबर पेज नंबर 27 27 27 निकालो27 पेज नंबर बरोबर है बरोबर है सर ओके बरोबर वेरी नाइस चलो आपके बच्चे आ रहे हो दिखाई दिया चलो आपके बच्चे जो है कर रहे हैं वो काफी बढ़िया है और इतने सारे एनर्जेटिक के साथ कर रहे हैं वो देख के मुझे भी काफी खुशी हो गई मैं आपसे पूछना चाहूंगा सर आपके बच्चे जो कर रहे हैं और आपने इतने सारे वीडियोस मुझे भेजे हैं ये सभी चीजें किया है तो इनके अंदर आपने कुछ ऐसा बदलाव देखा है ये चेंज कुछ देखा है उनके अंदर स्वभाव के अंदर हो सकता है या रोज मेडिटेशन कर रहे हैं तो उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा है पहले घबराते थे शर्माते थे अभी काफी उनके अंदर कुछ चेंजेस है ऐसा हाँ, कुछ हाँ, वैसे दुर्गेश में ज्यादा चेंज दिखता है सर अभी वो हाँ, पहले से ज्यादा फुर्तीला हो गया है और हाँ, कोई जिसमें मतलब वो आप खोल के कर सकता है वही चीज वो आप बंद करके भी कर सकता है कॉन्फिडेंसली कर सकता है यस यस और उन्होंने एक अनुभव मुझे कल यानी फोन आया था कि वो दुर्गेश और ये देवांशु है पट्टी जो है और आंखों पे जो भी कार्ड्स है वो साथ में लेके जाता है और जहां मौका मिले वहां पे दिखाता है कल ये आपने जो है एक हॉस्पिटल में गए थे शायद उसका गिर गया था और वहां पे डॉक्टर को दिखाया देवा शॉप क्या क्या हुआ था सर सभी को बताइए कल का एक्सपीरियंस क्या हुआ था आपके साथ कल आपने एक गिर गया था सर इसको तो चोट लग गई थी तो हम उसको ऑर्थोपेडिक डॉक्टर के पास ले गए तो वहाँ पे उसने बताया कि हमको ऐसा ऐसे हमने क्लास लगाया है ठीक है बोले उनको उसको ठीक है हमको करके दिखाओ तो ये अपने साथ ही ले गया था ये ने पहले से ही ठान रखा था कि हम दिखा सकते अच्छा, तो अच्छा। डॉक्टर ने उनको बताया कि ठीक है आप हमको करके दिखाओ डॉक्टर साहब उसने पट्टी बांध के पूरा पैटर्न लाके पूरा पढ़ के दिखाया पूरा एकदम छोटे छोटे जो साइन मोबाइल में भी पूरा छोटा छोटा अक्षर पढ़ के दिखाया तो उनको बहुत ही ये अजीब लगा सर अजीब लगा यस 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 बोला कि ये कहां से अपने लिया करके ये कैसे अपने पता किया करके पास करे बरोबर कि दही अंडे सर है औरंगाबाद के तो उनका फेसबुक से हमने कॉन्टेक्ट लिया था तो ये चीजें यानी कोई भी देखेगा तो शॉक हो जाएगा मैं हमेशा कहता हूँ बच्चों को जो है आप स्कूल में दिखाइए बच्चों को जो है वन एक्ट शोज एनुअल फंक्शन में वहां पे आप दिखा सकते हो और बच्चे को जहां पे भी मौका मिले क्योंकि वो उनके अंदर का टैलेंट है और ये टैलेंट अगर वो लोगों को दिखाएंगे तो उनको लोगों की तारीफ मिलेगी यस मैं भी उनको अप्रिशिएट करता हूँ कि ये चीजें उनको कॉन्फिडेंस दिलाएगी कि हम में कुछ अलग पावर है उसमें कुछ अलग शक्ति है और इससे उनका ब्रेन और भी शार्पन और भी उनका प्रैक्टिस करने का मन रहेगा देखो माय फ्रेंड्स ये चीजें वो उनको ऐसे ही नहीं आ रही है उसके पीछे उनकी मेहनत है उनका जो लगन है वो रोजाना ध्यान करते हो मेडिटेशन करते हैं आप मुझे बताओ आप कितने मिनट तक का मेडिटेशन रोज करते हैं कितने मिनट का मेडिटेशन करते हो दुर्गेश अरे बाप रे 1 and 2 hours करते हो वेरी नाइस और आप दिव्यांशु आप कितने मिनट का मेडिटेट करते हो
1 to 2 hours. देखो ये उनकी मेहनत है, ये उनके रिजल्ट दिखाई देते हैं। ऐसे ही मेडिटेशन, अभी जब प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हम इतना कुछ कर रहे हैं, एक्सरसाइज भी करते हैं, मेडिटेशन भी करते हैं। तो आप मुझे बताओ दुर्गेश और देवेश, आप बड़े हो के क्या बनना चाहोगे, क्या बनना है आपको? सर मैं मैकेनिकल इंजीनियर। मैकेनिकल इंजीनियर। और आप? सर मैं ब्रेन का डॉक्टर। ब्रेन का डॉक्टर बनना चाहता है। वेरी स्पेसिफिक एंड वेरी स्मार्ट गोल। यही कहता हूँ मैं जीवन में, बच्चों के लक्ष्य होना चाहिए। बचपन में उनको जो है लक्ष्य दिया या फिर क्या बनना है वो बचपन से ही होना चाहिए। जैसे एक स्टूडेंट है हमारे, ओके, एक बेटी है, उनको मैं कहता हूँ कि बेटा आपका नाम क्या है, वो क्या बताती मैम पता है, सर क्या बताती पता है? मैं उससे पूछता आपका नाम क्या है, मैंने पहली बार पूछा, वो उसने कहा मेरा नाम डॉक्टर डॉक्टर अनन्या है। ओके, मैं इतना हंसा, डॉक्टर अनन्या है। और उसकी उम्र समथिंग की वो 7 साल की थी। उसकी मम्मी ने सिखाया था कि आपको जो है ना जब भी नाम बताओगे ना उसके आगे जो है आप डॉक्टर बोलेंगे। और मैंने कहा फिर आप डॉक्टर है हो क्या? नहीं, मैं डॉक्टर यानी बनना चाहती हूँ बड़ा होके। तो डॉक्टर दुर्गेश एंड इंजीनियर देवांश, कोई ने आपको पूछा कि आपका नाम क्या है तो आपको क्या बोलना है? आपका नाम क्या है बोलो, अभी क्या नाम है? देवांशु पाटिल। या इंजीनियर देवांशु पाटिल ऐसे बोलना है। और आपका नाम क्या है? पानी पियो। डॉक्टर दुर्गेश। ओके, बिल गेट्स ने एक बात कही थी, बिल गेट्स ये काफी यानी रिच पर्सन दुनिया के रहे हैं, वर्ल्ड के सबसे रिच अमीर रहे हैं। उनका एक शब्द है, उनका एक वाक्य है, फेक इट बिफोर यू मेक इट। फेक इट बिफोर यू मेक इट, यानी आप जो भी कुछ बनना चाहते हो ना उसको पहले बोलो, एक्सप्रेस करो थ्रू वर्ड्स, थ्रू यानी आपकी इमोशंस। यानी आप अगर कहते हो ना मैं डॉक्टर हूँ तो वही फ्रिक्वेंसी आप ब्रह्मांड में भेजते हो और वो रिटर्न में आपकी जिंदगी में वापस आती है। तो बच्चों को जो है माय फ्रेंड्स थर्ड एक्टिवेशन करने के बाद उनको इंट्यूशंस अंदर की आवाज आती है कि मुझे डॉक्टर बनना है। और ये डॉक्टर या फिर ये इंजीनियर उनको जो है लाइफ में उनके इंट्यूशन हेल्प करेंगे वो लेवल का आगे बढ़ाने के लिए। मैम और सर मैं आपसे पूछना चाहूंगा, हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं बच्चों के लेवल पे, आंखों पे पट्टी बांध के बॉटल देते हैं और बॉटल देने के बाद उनको घर पे छुपाना होता है और उसको ढूंढना होता है, क्या आपने वो एक्सपेरिमेंट किया है? जी सर, बिल्कुल सर। उनको आता है वो चीजें? क्या क्या हुआ था बताइए मुझे। अभी एक्साइटेड है करने के लिए। ओके चलो करेंगे, चलो आपको ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, मैं आपको ज्यादा सवाल करने से अच्छा ज्यादा से ज्यादा एक्सपीरियंस करो, क्योंकि आपके 6 दिन हो गए हैं अभी, तो बस एक्टिवेशन का ही आपने अनुभव लिया है। हमारा जो अलग प्रोग्राम है NLP रेखी, उसके तो अनुभव तो बाकी के बाद में है। लेकिन देखो बच्चे पट्टी बांध के बॉटल ढूंढते हैं, ये बॉटल ढूंढने का टेक्निक से मुझे काफी लर्निंग मिला। लर्निंग क्या मिला, ये बॉटल जो है अपने सिक्स सेंस इंट्यूशन से ढूंढते हैं। आप जो है अभी उनके बॉटल दीजिए, हम प्रैक्टिकली करेंगे। चलो ये बॉटल है, हाँ दुर्गेश ये बॉटल लो, यस यस हाथ में लो, स्मेल लो, स्मेल लो, पीना नहीं है पानी, स्मेल लेना है। अच्छा पानी पी के देख रहा है, ठीक है स्मेल लिया। इनको भी दिखाइए मैं, दुर्गेश देवांशु देवांशु हाँ छुपाइए बॉटल, सब बॉटल छुपाइए, आपको ढूंढ के निकालना है कहाँ पे भी तो छुपाइए। हाँ चलो अभी उठो, दोनों उठ जाओ और बॉटल को ढूंढ के दिखाओ। ये प्रयोग हम सभी बच्चों के साथ करते हैं और यार इतनी जल्दी। ओके फिर से एक बार सर, आप दोनों यहाँ पे आओ मेरी तरफ आ जाओ। अभी सर अलग जगह पे ढूंढ रखो, बैठो नीचे, बैठो नीचे, अलग जगह पे रखो। अभी देखो आंखें बंद करके ये तुरंत ढूंढते हैं, इनको काफी क्लियर दिखाई देता है। स्मेल लो, स्मेल लो, जिनके इंद्रिय इतने डेवलप हो गए कि आप कहाँ पे भी। सर और मैम को मैं यहाँ पे एक अनुभव शेयर कर रहा हूँ मेरा खुद का। एक बार हमने ये बॉटल का प्रयोग जो है ना स्कूल के बाहर किया था, मैं जैसे बच्चे, अच्छा अरे बाप रे, चलो ढूंढो बच्चे मैं बाद में बताऊंगा, अभी ढूंढ के दिखाओ बॉटल कहाँ पे है। अरे वाह 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 वाह, अच्छा 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 अच्छा, वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी गुड। एक्चुअली मैं जब नया था ना इस फील्ड में और एक बच्चा था मैम, मैं हमेशा कहता हूँ, और एक बार करेंगे अभी बैठो फिर से एक बार,
तब तक आप सर कल की हम हॉस्पिटल थे ना, पनवेल के हॉस्पिटल थे, मतलब हॉस्पिटल बहुत बड़ा है और वहाँ के डॉक्टर बहुत बिजी है। अच्छा, आधा घंटा दिया। अरे बाप रे, ओके ओके, वेरी नाइस। अरे बाप रे, वाह वाह वाह, वेरी नाइस। हाँ दुर्गेश एंड देवेश, यू आर सो ऑसम। और मैं कहता हूँ कि वो उनकी जो मेहनत है, ताकत है, वो वन वन घंटा मेडिटेट करते हैं, इट्स समथिंग कि उनके लाइफ में वो काफी बदलाव दिखा देगा। चलो अभी अभी ये क्या है, वो बॉटल का है या ये क्या है? अभी वैसलीन की डब्बी है, वैसलीन की डब्बी। हाँ हाँ, बॉटल दिखाओ पापा के पास दो अभी। हाँ देख लिया। अरे देख लिया ना, उनको दो, पापा को दो। ओ अनी सर, ये दिवेश में ना बहुत डरता था, बहुत कम बात करता था। हाँ, आपसे जब कॉल मतलब कांटेक्ट हुआ है, आपसे उनकी घबराहट निकल जाती है मैम, बरोबर है, क्योंकि वो चीजों में इतना चीजें करने लगते हैं कि उनका सभी जो कॉन्फिडेंस है। अरे 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 अरे, ठीक से स्लोली स्लोली स्लोली। अरे 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 अरे, डर गए। अभी मैं कहता हूँ मैम, इनकी एनर्जी काफी बढ़ गई। अरे बाप रे, आप ढूंढ के निकाल रहे हो कहाँ से भी लाके। ओके वैसलीन हमें तो लगानी नहीं है बच्चों। वेरी नाइस। वैसे सीधा बॉटल के पास ही चले जाते हैं। अरे वाह, ओके नाइस नाइस नाइस। बॉटल कोई भी लो, आपके बच्चे तो काफी, यानी काफी, मैं कहता हूँ कि काफी आगे निकल गए हैं, काफी आगे। ओके दुर्गे सर, हाँ कर लेते। वाओ, आंखों से भी ज्यादा क्लियर दिखाई देता है उनको, यानी वाओ वाओ, वेरी नाइस, वेरी गुड। अभी इनको गुस्सा आया शायद, मुझे मुझे नहीं पता कि ये बॉटल, उसको उसने बता दिया, ऐसे झगड़े भी करते होंगे। चलो कोई बात नहीं, एक दूसरे से झगड़ना नहीं है बच्चों। ओके, आपको एक दूसरे को सपोर्ट करना है मेडिटेशन में। हम जो भी मतलब आगे करके स्विमिंग धागा भी मुझे काफी खुशी होती है। भगवद गीता भी है, ओके उसको भी पढ़ता है ना, उसको भी पढ़ता है। अरे वाह, वेरी नाइस वेरी नाइस। मैं अच्छा अच्छा बोल सर। हाँ वेजिटेरियन हम पूरा भी, और वेजिटेरियन है। जैसे भगवत गीता में मैं कहता हूँ कि ये चीजें उनको ही मिलती है जो बच्चे आध्यात्मिक है, स्पिरिचुअली टच है, या फिर उनके घर में मेडिटेशन का पावर है। क्यों पता है? क्योंकि उस लेवल की वाइब्रेशंस बाहर निकलती है। आप मैं खरं सांगतो, ऐसा मराठी तुम बोलतोय म्हणजे तुम्ही खूप भाग्यशाली आहात, ह्या गोष्टी तुम्हाला भेटल्या आहेत आणि ह्या मुलांना तुम्ही शिकवलंय। इट इज सो ऑसम की इसकी व्हॅल्यू मी नाही बता सकता की कितनी बड़ी है, क्योंकि ये माइंड का जो यूज कर रहे। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ लॉ भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, मैं तुझे विश्व रूप दिखाता हूँ, तुझे ये आंखों से नहीं दिखाई देगा। अर्जुन को दिव्य चक्षु देते हैं, दिव्य चक्षु यानी थर्ड आई, अज्ञा चक्र, और ये उनका बैलेंस हुआ है। आप छठे अध्याय पढ़ो, छठा अध्याय भगवत गीते का, बच्चों को भी पढ़ाओ सर, आप भी पढ़ो। ध्यान योग, ध्यान का कितना महत्वपूर्ण है जिंदगी में, ध्यान करना कितना जरूरी है, ये बच्चों को सिखाना है। भगवत गीता इनको ज्यादा अंडरस्टैंड होगी, बाकी को लोगों को नहीं अंडरस्टैंड होगी, इनको ज्यादा समझेगी। क्यों पता है? ये एक नेक्स्ट लेवल पे गए हैं, नेक्स्ट लेवल पे वो गए। भगवत गीता ही पढ़ते हैं, ये मतलब गुरुचरित्र भी पढ़ते हैं जो वाँ। है हमारे पास, तो ये दत्तात्रेय की किताब है, वो हमारा इसमें आता है, उपासना में आता है, यस सर, डेली पढ़ा जाता है, वो भी पढ़ते हैं, माला भी जपते हैं ये। अरे वाह, इसीलिए इसीलिए देखो, यानी हायर एनर्जी के साथ ऑलरेडी कनेक्टेड है, यानी पहले से वो गुरुचरित्र या फिर मंत्रा चैंटिंग, माला जपना, ये ऑलरेडी उनका ध्यान का बेस ऑलरेडी स्ट्रांग है, इसीलिए उनके वाइब्रेशन की वजह से ये चीज उनको मिली है।
ऐसे कहता हूं मैं कि जैसे एक बिल्डिंग होती है, आप मुंबई में रहते हो तो अच्छे समझ सकते हो, बिल्डिंग्स होती है, काफी फ्लोर होते हैं बिल्डिंग्स के। अभी जो ऊपर का इंसान है ना, ऊपर वाला जो सबसे टॉप वाला फ्लोर जो बिल्डिंग्स के, आप टॉप वाले फ्लोर में, अभी क्या होता है वो टॉप वाले फ्लोर को जो है सूरज दिखाई देता है डूबता हुआ। कौन सा सूरज डूबता? जो सनसेट होता है ना, सनसेट दिखाई देता है। और जो टॉप वाला क्या कहता है, वाओ कितना अच्छा सनसेट है, कितना खूबसूरत ये सनसेट मुझे दिख रहा है, ये सूरज की जो ब्यूटी वो कितनी अच्छी है। वो नीचे वाला जो है ना, सबसे नीचे का फ्लोर वाला, उसको कुछ नहीं दिखाई देता है। वो कहता है ए पागल है क्या, क्या कुछ है यहाँ पे, कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, पागल है क्या तू। ओके, उसके ऊपर वाला यानी उसके जो बीच में जो उसके नेक्स्ट ऊपर का जो फ्लोर है, वो कहता है कि अरे मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन थोड़ा थोड़ा प्रकाश दिखाई दे रहा है। ओके, और ऊपर का दिखाई दे रहा है, हाँ मुझे अभी थोड़ा दिख रहा है, और ऊपर वाला हाँ मुझे काफी क्लियर दिख रहा है। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा, ये जो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ये बिल्डिंग वाला, ये सनसेट वाला एग्जांपल, आपकी वाइब्रेशंस, आपकी जो भी अंदर के जो वाइब्रेशंस है, वो जितने ज्यादा होंगे उतने ज्यादा आप अच्छे से करोगे, उतने ज्यादा आप हायर एनर्जी के साथ कनेक्ट रहोगे। जैसे एग्जाम्पल, ये चीजें सभी को नहीं मिलती है, ये थर्ड एक्टिवेशन सभी का नहीं होता है। 6 दिन में आपका हुआ है, हमारे ऐसे भी बच्चे जिनको 15 दिन लगे, या फिर किनको 8 दिन में हुआ, किनको एक बच्चे को, ये डिफरेंट डिफरेंट है, क्योंकि उस लेवल की एनर्जी, उस लेवल का पॉजिटिवनेस, सकारात्मकता चाहिए उसके लिए। ओके, तो हमारे फ्रेंड्स, उन लोगों तो बिल्कुल नहीं समझ में आएगा जिन लोगों की वाइब्रेशन स्पिरिचुअल नहीं है, वो आध्यात्मिक नहीं है, या वो कनेक्टेड नहीं है। वो कहेंगे कहाँ पे सूरज है, कहाँ पे दिख रहा है, ये बकवास है, ये झूठ है, ये ऐसे वो कहेंगे, क्योंकि उन्होंने कभी वो वाइब्रेशन को फील ही नहीं किया, उस अंदर के जानना ही नहीं, अंदर क्या चीजें पड़ी है, कभी मेडिटेशन किया ही नहीं है, तो उन लोगों को कभी एक्सपीरियंस नहीं आएगा। और बचपन से आपने ये चीजें दिया है, मुझे 25 साल की उम्र में मैंने ये पता किया, और 6 साल से अलग अलग बच्चों को सिखा रहा हूँ, काफी अच्छा है। लास्ट सर, अभी हम यहाँ पे रुकते हैं, जो बच्चे करना चाहते हैं, जो बच्चे डाउटफुल है, जो पेरेंट्स डाउटफुल है, ये चीजें सिखाना चाहते हैं, लेकिन डाउट लेते हैं कि सच में काम करेगा या नहीं, घर पे कैसे होगा, आप उन पेरेंट्स को क्या कहना चाहोगे? मैम या सर, ऐसे पेरेंट्स को आप क्या कहना चाहेंगे? करना चाहे, हाँ मतलब उनको, मतलब बच्चों को ये क्लास तो जरूर लगाना ही चाहिए। और एक बताना चाहूंगी, बच्चों को मतलब जब तक छोटे होते हैं ना, तब से ही उनको संस्कार देना बहुत जरूरी है। कि हम बाकी को देते ही है, घर का संस्कार तो देते ही है, उसके साथ साथ उनको भगवान के बारे में बताना है, क्योंकि वो उसको स्टोरी की तरह बताओ कि वो सुनने में लगे। जैसे कि अपने दुर्गे जी को जब से छोटे थे ना, तब से इनको कोई भी स्टोरी सुनाती हूँ भगवान की, किसी भी भगवान की स्टोरी सुनाओ, इतने दिन लगाकर सुनते हैं ना, तो सोते नहीं, बोलेंगे मम्मी और सुनाओ, मम्मी और सुनाओ। बरुबार काफी भाग्यशाली भी हूँ, और कभी कभार मैं खुद को इतना ऐसा समझता हूँ कि सच में ये चीजें मुझे देके ऐसा लग रहा है कि यानी मैं जब भी इस बच्चे को ये सिखाता हूँ ना, मेरा अंदर एक काफी खुशी होती है कि जो बच्चे मुझसे जुड़ते हैं ना, दे आर सो स्पिरिचुअली टच, उनके पेरेंट्स, उनके मम्मी पापा, बच्चे कि इतना ख्याल रखते हैं, इतना कुछ वो पॉजिटिव है, कि वो सभी बच्चों की साइकोलॉजी, उनको क्या करना है, पॉजिटिव थिंग्स देना है, संस्कार देना है, ये सभी चीजें उन जानते हैं। ऐसे ही बच्चे मेरे साथ जुड़ते हैं और जुड़ जाते हैं, और ये चीजें मैं उनको सिखाता हूँ, तो मुझे काफी आनंद मिलता है कि वो ये चीज का अपने जीवन में काफी बड़ा कार्य करे, क्योंकि मेरा मिशन है, मैं 10 लाख बच्चों को ये सिखाना चाहता हूँ, और उन बच्चों की लाइफ को हैप्पी और स्पिरिचुअल, और उनके जिंदगी में बहुत महान कार्य करे, उनका जीवन समृद्ध हो, ऐसा मैं बनाना चाहता हूँ। और आपका, हाँ हाँ, जब से मतलब मुझे पहले भी ऐसा मतलब लगता था कि मेडिटेशन करूँ, करने की करती थी सर, नहीं पाती थी, बैठ नहीं पाती थी इतनी देर तक, 1 घंटा 10 मिनट भी मैं पैर फोड़ करके नहीं बैठ पाती, मेरे पैर दर्द करते हैं। पर जैसे आपके साथ कांटेक्ट हुआ ना सर, आपके लिए मतलब क्या थैंक यू बोलूं, धन्यवाद बोलूं, मतलब शब्द नहीं है उस बात के लिए। मतलब मिल गए तो मेरे बच्चों को एक गुरु मिल गया, तो बच्चों की क्या, मुझे भी एक गुरु मिल गया ऐसा समझो।
ओके धन्यवाद। अभी मैं मेडिटेशन करते हैं उनके साथ, अरे वाह, एक साथ मेडिटेशन करते हैं। और अभी अगर मैं दिन लगा कर करूँ ना तो एक घंटा बैठ सकती हूँ मैं बिना पैर दर्द। अरे वाह वाह वाह, वेरी नाइस। महसूस भी होता है हमें मेडिटेशन से, मतलब कोई महसूस नहीं होता है, सब एकदम ऐसे लगता है कि हमारा शरीर है ही नहीं। ही नहीं, बरोबर। ज्ञान होती आपको मिली है। यस यस यस, नहीं कर पाती थी। नाइस नाइस नाइस, वेरी गुड। ये कर पा रहे हैं हम। वेरी गुड। और मैं आपको कहूंगा कि इनको जो है अभी इनका अंडरस्टैंडिंग लेवल, इनकी बुद्धि का लेवल काफी बड़ा है। ओके, इनको जो है आप स्पिरिचुअली हमेशा टच रखिए, उनको अच्छी अच्छी किताबें बोलिए पढ़ने के लिए। मैं आपको जो है हर दो दिन के बाद हम लाइव मिलते हैं ना, उसमें आपको काफी चीजें सिखाने वाला हूँ। स्टडीज के अलावा ऐसे काफी सारे मोटिवेशनल सक्सेसफुल माइंड के ऊपर किताबें हैं, मेमोरी के ऊपर किताबें, वो उनको पढ़ने के लिए दीजिए। जितना आप ज्ञान लोगे जिंदगी के अंदर उतना ही आप आगे बढ़ोगे, विदाउट ज्ञान पीछे रहोगे। एग्जाम्पल सर, आपने डिसीजन लिया, आपके अंदर इतना चेंज आया, सोचो एक छोटी सी चीज आपने किया है, 6 दिन ही उसको हुआ है, इतना कुछ उनके अंदर बदलाव लाया। ऐसे ही उनकी जिंदगी में सिखाते रहना चाहिए। मैं कहता हूँ कि बच्चे जो है, मैं भी एज ए स्टूडेंट हूँ, आज भी मैं सीखते रहता हूँ, डिफरेंट डिफरेंट ट्रेनिंग्स लेता हूँ, डिफरेंट डिफरेंट चीजें सीखता हूँ। तो बच्चों को हमेशा सिखाता रहने से वो आप तभी आगे बढ़ सकते हैं। ओके, उसका एक ही फॉर्मूला आगे बढ़ने का, सक्सेसफुल होने का, वो है सीखते रहना। सो थैंक यू वेरी मच। हाँ, पूरा रोल तो उनकी मॉम का, मैं बहुत कम समय दे पाता हूँ सर उनको, तो आना आना तो उनकी मॉम ही देती है सर। यस 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 यस, यानी आप सर, आप देश का काम करते हो, आप एक मिलिट्री मैन हो, और आपके जैसे बच्चे, यानी ये चीज उनको, मुझे काफी गर्व होता है कि हमारे साथ सर डॉक्टर है, या वो कलेक्टर होंगे, कलेक्टर के बच्चों को मैंने सिखाया है, या फिर आप जैसे देश के लिए काम करने वाले ये है पुलिस मैन है, हमारे औरंगाबाद में काफी सारे पुलिस है, उनके बच्चों को मैंने ये सिखाया है। अगेन एडवोकेट्स है, यानी हर फील्ड के लोग हैं, और वो हर फील्ड में, मैं कहता हूँ कि आप अभी जितना सीखे हो, आप जो भी कुछ कर रहे हो, और सभी का सपना होता है कि हमने जो किया है, हमने लाइफ में जो स्ट्रगल किया है, वो स्ट्रगल हमारे बच्चों में ना आए, वो स्ट्रगल बच्चे ना करे, उनकी जिंदगी अच्छी गुजरे, ये हम कामना करते हैं। तो इसके लिए मैं कहता हूँ कि थर्ड एक्टिवेशन ये प्रोग्राम काफी जबरदस्त है। आपका बच्चा स्मार्ट बनेगा, विल बिकम नॉट, इन बच्चों से कोई कॉम्पीट नहीं कर सकता। मैम ये कहता हूँ, ये चेस खेलेंगे ना, चेस चेस खेलेंगे ना, पट्टी बांध के चेस खेलेंगे ना, इनके साथ कोई जीत ही नहीं सकता है, क्योंकि इनके पास इंट्यूशन पावर है, सामने क्या करने वाला है उनको पहले से पता चलता है चेस के अंदर। सो दे हैव इंट्यूशन पावर, और ये कोई हारा नहीं सकता। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच, आपने काफी समय दिया है सर, और आप ये जो समय देके मुझसे जुड़े हो, कनेक्टेड हो, और कभी भी आपको कोई भी डाउट्स होगा, बेफिक्र आप मुझे कॉल करना है, मैं आपको सपोर्ट करूंगा, और कभी मैं आपको कुछ नए चीजें नए बताऊंगा, कुछ भी डाउट्स, कुछ भी कुछ हो तो मुझे आप कॉल कर सकते हैं, और हमारा लाइफ टाइम सपोर्ट आपको रहेगा। और हमने तो काफी अच्छा ये किया है कि प्लेटफॉर्म दिया है, हम हर 2 दिन के बाद मिल रहे हैं, और आपको लाइफ टाइम मिलने वाले हैं, और इससे मेरी मोटिवेशन मुझे मिलता है, एनर्जी मुझे मिलती है, और ये बच्चों को सिखाने के लिए, और बच्चों की जिंदगी में चेंज करने के लिए। तो जो लोग अभी देख रहे हैं हमारे फ्रेंड्स, अभी के अभी आपको कॉल करना है, ये थर्ड एक्टिवेशन प्रोग्राम क्या है समझना है, जिंदगी बदल डानी है खुद की, परिवार की, और बच्चों की, क्योंकि इट इज समथिंग लाइफ चेंजिंग है। थर्ड क्या है समझना है तो ये वीडियो पूरा देखिए। थैंक यू सर, थैंक यू दुर्गेश, एंड थैंक यू देवांश। ओके थैंक यू सर, ग्रेट, बाय। आपको मैं बता रहा हूँ कि कैसे आप मिड ब्रेन एक्टिवेशन का किट लेके उसका बेनिफिट लेना चाहोगे, कैसे आप अपने बच्चों को ये चीज़ें सीख के उनकी लाइफ बदल देने वाले हो। सबसे पहली बात, ये काम कैसे करता है, बच्चों के लिए अमेजिंग प्रोग्राम है, आपकी बच्चे आंखें बंद करके कैसे दिखाई देता है, ये सवाल का मैं थोड़ा सा इंटरनल चीज़ें बता दूँ। आंखें बंद करके जब हम जीरो थॉट्स में होते हैं, शून्य विचार में होते हैं, आंखें बंद होती है, तब हम समाधि अवस्था में, मेडिटेशन में, अंदर की चीज़ें हम विजुअलाइज करते हैं, देखते हैं। जैसे आंखें बंद करके हमें अंदर की चीज़ें दिखाई देती है, वैसे ही आंखें बंद है तो हमें बाहर वाली चीज़ें भी दिखाई दे सकती है। लेकिन इसके पीछे का जो साइंस है वो काफ़ी देर बाद पता चला, और 2013 में ये जब इंडिया में साइंस आया, जापान में इसका रिसर्च हुआ था और इंडिया में आया, तो पीनियल ग्लैंड, ये पीनियल ग्लैंड से ये संभव है,
और बच्चे आके बंद करके देखने लगे। मैं पिछले 6 साल से इसे सिखा रहा हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट है बच्चों के लेवल पे ये जो पावर है काफ़ी हाई होती है। जैसे बच्चे के अंदर विचार कम होते हैं, थॉट्स कम होते हैं, इस वजह से वो ध्यान में, जीरो थॉट्स में, समाधि में ईजिली जा सकते हैं। यस, आपके बच्चे के अंदर ये पावर ऑलरेडी पड़ी हुई है लेकिन उसको हम देखते नहीं है, और ये पावर अगर आपने डेवलप नहीं किया ये डल हो जाती है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है क्यों करना है, जब आंखें बंद होती है बच्चा रीडिंग करता है, जब वो आंखें बंद करके रीड करता है तो वो समाधि अवस्था में होता है, और जब समाधि अवस्था में होता है बुक को बंद भी कीजिए तभी भी वो उल्टा पड़ता है। यानी इतना अमेजिंग है, पिछले 6 साल से इसके ऊपर इतना रिसर्च किया हूँ और बच्चे कोई कॉम्पीट नहीं कर सकता इन बच्चों से। थर्ड एक्टिवेशन खोलने के बाद नो कॉम्पिटिशन। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है मेरे ऊपर विश्वास रखिए, जब ये प्रोग्राम में ले रहा हूँ बता रहा हूँ ध्यान से सुनिए, मैंने इसको सीखने के लिए काफ़ी समय दिया है, काफ़ी ट्रेनिंग्स लिया है, और आज अगर आप डिसीजन लेते हो तो आपको बस आज जो है प्रोग्राम इस कीच को खरीदना है, और खरीदने के बाद आपको जो है ये कीच, आपको हमारा लिंक मिलेगा, यूज़र आई डी पासवर्ड मिलेगा, और ये वीडियो ऑफ लाइफ टाइम एसेस कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूँ हम 2 दिन का फॉलोअप देने वाले हैं। ये चिंता मत करिए ये बच्चों को घर पे कैसे आएगा, ये काफ़ी इजी कंसेप्ट है, मैं आपको हेल्प करूँगा। हज़ारों बच्चों को हमने ये सीखा है, घर बैठे इसका अनुभव लिया है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आज अगर आप डिसीजन लेते हो तो 3 जो बड़े प्रोग्राम हैं आज आपको फ्री मिलने वाले हैं। सबसे पहला है रुकी। रुकी एक अमेजिंग साइंस है, जैसे आँखें बंद करके बाहर की दुनिया दिखती है, हमारी अंदर की दुनिया जब बच्चे देखते हैं तो जो बीमारी होती है वो हम देख सकते हैं और उस बीमारी को हम निकाल सकते हैं। ये प्रोग्राम मैंने बड़ों के लिए दिया है, पेरेंट्स भी होते हैं बच्चों के साथ तो उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। सेकेंड जो प्रोग्राम है रिकी से, मैं आपको बता दूँ पहले रिकी से कोई भी बीमारी हम ठीक कर सकते हैं विदाउट मेडिसिन, आपके बच्चे बीमार नहीं करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट है चश्मा नहीं लगेगा, है तो निकल जाएगा, बच्चों को स्पेक्स की प्रॉब्लम खत्म होने वाली है। सेकेंड जो है NLP, जैसे सुनिए मिड ब्रेन करने के बाद NLP सीखना जरूरी है। न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, न्यूरो यानी ब्रेन, लैंग्वेज होती है मन की, जो भी देखते हैं फील करते हो और अनुभव होता है वही बाहर घटित होता है। NLP के साइंस में हम दिशा देते हैं, जैसे बच्चों की TV की प्रॉब्लम है, बच्चा सुनता नहीं है, गुस्सा करता है, जिद्दी हो चुका है, राइटिंग स्पीड कम है, ये सभी प्रॉब्लम का सोल्यूशन NLP है। और ये NLP के प्रोग्राम आपको फ्री मिल रहा है, इसका जो फीस है वो काफ़ी हाई में लेता हूँ लेकिन आज अगर रजिस्ट्रेशन किया तो आपको फ्री है। थर्ड जो हमारा अमेजिंग प्रोग्राम है, तीसरा मेमोरी पावर, ये जो प्रोग्राम है आज आपको फ्री मिलने वाला है। हमारे 11, 12 एंड 13th ये जो 3 सेशन है मेमोरी के ऊपर है, और ये 3 सेशन जिन बच्चों ने किया है कितना भी बड़ा नंबर हो वो याद रखेंगे, कितने भी सारे वो क्वेश्चन आंसर एक बार पढ़ के याद रखेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि बच्चों की डिक्शनरी के शब्द याद हो जाते हैं। जैसे मैं बोलूँ बोन का स्ट्रक्चर है 206 नाम, उसको याद रखना है तो कितना समय लगेगा, आप उसको रट्टा मारोगे तो आपको काफ़ी समय लगेगा लेकिन मेमोरी टेक्निक सीखने के बाद उसको आप 1 घंटे में याद रख सकते हो, इतना अमेजिंग ये प्रोग्राम है। या सीखे कितने सारे बच्चे हैं, जैसे ब्रिजेश कनन गिनीज बुक रिकॉर्ड होल्डर है, निश्चल नारायणा जो वंडर बॉय है, वर्ल्ड का 7वां अजूबा है, जिन्होंने मेमोरी के ऊपर ये चीज़ें सीख के काफ़ी कुछ अचीव किया है। मेरे दोस्त है जो लिम्का बुक ऑफ होल्डर है, ये सीख के उन्होंने काफ़ी सारा कैलेंडर याद रखा है, ये सीख के ये आपको मिलने वाला है। और सबसे इम्पोर्टेंट ये जो अनोखा प्रोग्राम है हमारा 30 डेज का, अगर आपको शक होता है या फिर आप विश्वास नहीं रखते हो सही कैसे होगा तो आप मुझे देखने के लिए मेरा प्रोफाइल चेक कर सकते हैं, मेरे YouTube चैनल पे विजिट कर सकते हैं और वहाँ पे देखिए मैंने बरसों से मैं उसके ऊपर वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, कितने सारे पेरेंट्स के टेस्टिमनी। इस वीडियो के नीचे आप जाओगे तो आपको कितने सारे पेरेंट्स के अनुभव दिखेंगे, उन्होंने ये घर बैठे सभी ने सीखा है तो आपके बच्चे कोई अलग नहीं है, वो भी कर सकते हैं, बस आपको विश्वास रखना है। चलो आप विश्वास नहीं रखते हो ना, चलो मैं खुद रिस्क लेता हूँ, आपको 30 दिन में मिड ब्रेन एक्टिवेशन आपके बच्चे आंखें बंद करके ना दिखाई दिया तो मैं आपको मनी बैक गारंटी दे रहा हूँ। यस, मनी बैक गारंटी, अभी तो रिस्क नहीं है। चलो ये वीडियो आप सेव कीजिए और ये मेरे शब्दों को ध्यान दीजिए, आज ही के आज बच्चों को करना है लाइफ चेंजिंग प्रोग्राम है, बस डिसीजन लेना है, आज के आज एनरोल करना है। थैंक यू। फर्स्ट दिन का ही यानी एक्सपीरियंस लिया वीडियो का और वो वीडियो देख के फर्स्ट दिन में ही फॉलोअप में उनको तपस्या को दिखने लगा था। देखिए मैम जो है उनको रोज जो है प्रैक्टिस करवाते हैं और जो फॉलोअप में जो हम बताते हैं उसको वो 100% उसको यूज करके इतने सारे अमेजिंग रिजल्ट उन्होंने लाए। हम बात करेंगे तपस्या से। तपस्या आप बताओ,
ये जो वीडियो कोर्स की जर्नी थी आपको कैसे लगा, ये एंजॉय किया आपने इस सेशंस को या कुछ बोरिंग था? कैसे था? मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे बहुत एंजॉयिंग हुआ। और आपके जो वीडियो है डांस का सब मुझे पसंद है और मेडिटेशन भी मत पसंद है मुझे। वाह वाह वाह। तो तपस्या को सभी की कुछ पसंद है, उसके वीडियोस भी आते हैं कि आंखें बंद करके ये किया है वो किया है। तो तपस्या आप मुझे बताओ कि ये कोर्स करके आप में ऐसा क्या बदलाव आपने देखा कि पहले वो नहीं था अभी मेरे अंदर ये चेंज है, ऐसा क्या क्या चेंज है बोलो? चेंज है कि मैं दिन भर मोबाइल देखती थी ज्यादा, पर अब कम देखने लगी। मुझे जब मैं मोबाइल हाथ में लेती हूँ मुझे बोर होता है। ओके सो ये हमारा एनएलपी का पावर है। हम न्यूरल लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग बच्चों की प्रोग्रामिंग करते हैं कि मोबाइल टीवी देखने से मुझे बोर फील होता है, और ये हम सब कॉन्शियस के लेवल पे उनकी प्रोग्रामिंग करते हैं। अभी मोबाइल वगैरह छोड़ दिया है ना तपस्या मैम, आप मुझे बताइए। कॉन्सेंट्रेशन लेवल भी बहुत ये हो गई है अभी, वो कॉन्सेंट्रेशन से सब पढ़ती है और लर्निंग बहुत फास्ट हो गई उसकी। मतलब पहले राइटिंग में उसको बहुत बोर लगता था, पर राइटिंग भी अच्छी करती है, फास्ट लर्निंग करती है। एक्चुअली मुझे क्वांटम रीडिंग में ज्यादा इंटरेस्ट था, मिड ब्रेन एक्टिवेशन के तो पहला स्टेप है, पर आपने बोला था सर कि क्वांटम रीडिंग बहुत इसमें डीप है, कुछ कुछ बच्चों का ये होता है। तो मैंने देखा कि क्यों ना हम तपस्या पे आजमाए, तो मैंने उसको सिर्फ रात को जब मैंने आपको फोन किया था सर फ्लिपिंग का ये करूँ क्या, तो आपने बोला था कि करो, तो मैंने एक बुक दी थी फ्लिप करने को, और आपने बोला था सिर्फ वो इमेजेस देखती है क्या देखो, तो मैंने सिर्फ उसको फ्लिप करने को बोला, उसने मिड ब्रेन को दिखाया और फ्लिपिंग के बाद उसने इमेजेस जैसे बुक में थे वैसे उसने सेम बताया। इट वॉज जस्ट अनबिलीवेबल कि मैं उसके पापा भी दंग रह गए कि ऐसे कैसे हो सकता है विदाउट सीइंग द बुक, विदाउट सीइंग एंड रीडिंग द बुक हाउ शी कैन डू लाइक दिस। जब मैं भी इसको पहली बार देखा था आई वॉज वो शॉकी है कैसे मुमकिन है, इट इज समथिंग के बियॉन्ड साइंस है, ये हम नहीं समझ सकते और मैं भी इसको नहीं जानता हूँ कैसे होता है, लेकिन ये चीज ही है हमारी अज्ञा चक्र और इमेजिनेशन, और ब्रेन के अंदर अनलिमिटेड शक्तियां है, शायद हम उसको यूज नहीं करते हैं। हमारे साथ ऐसा एक बच्चा है जिसने मिड ब्रेन एक्टिवेशन को एक ही दिन में, मैं क्या कह रहा हूँ, फर्स्ट डे में ही एक्टिवेशन किया है, जिसका नाम है वेदांत। मैं चाहता हूँ कि इसका आप स्वागत करें जोरदार क्लैप बजा के। वाह वेदांत, वेदांत के सभी जो रिजल्ट पता है, और आपको कैसे स्टार्ट में पता चला, आपने कहाँ पे देखा ये जो मिड ब्रेन एक्टिवेशन, या फिर कैसे आपको मालूम हुआ? मैंने ये फेसबुक पे देखा थोड़ा एक्टिवेशन का कोर्स, इसीलिए मैंने आपको कॉल किया और वहां से हम लोगों ने शुरू किया। यस, तो मैम जो है मुझे, मैम आप टीचर हैं है ना, आप स्कूल में एज अ टीचिंग करते हैं, और मैम का एक डाउट था कि बच्चे का होगा या नहीं होगा, तो मैम को मैंने कहा कि मैम आप कीजिए, फुल कॉन्फिडेंस के साथ कीजिए, और बच्चे का रिजल्ट यहाँ पे आते हैं, और उनको काफी सारी चीजें बताई कि हम इस कोर्स के साथ साथ और भी कई चीजें सिखाते हैं। आपने कैसे क्या सोच के डिसीजन लिया था करना है? मैंने पहले भी ये खेड़ में देखा था, मतलब रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में, कि बच्चे ऐसे करते हैं, उनका थोड़ा एक्टिवेट हो जाता है और उसके बाद वो जो है वो देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, उनके जो सेंसरी ऑर्गन्स है वो डेवलप हो जाते हैं, इसीलिए मैंने उसको एनरोल किया एंड आई एम सीइंग वेरी गुड रिजल्ट्स इन 5 days। अभी उनके 5 ही दिन कम्प्लीट हुए। हमारा वेदांत है, वो स्मेल लेके एक छोटा सा अनुभव में शेयर करना चाहूंगा। वेदांत जो है फर्स्ट दिन में ही रीडिंग किया उसने, एक्चुअली काफी सारे जो बच्चे हैं जब ये एनरोल करते हैं तो उनको पहले दिन में कलर आइडेंटिफिकेशन और बड़े बड़े लेटर दिखाई देते हैं, लेकिन जब मैंने फॉलोअप लिया तो उसमें देखा कि वेदांत जो है बुक के बुक रीड कर रहा है, ठीक है, और भी वो कई चीजें हैं वो करने वाला है, यहाँ पे भी हम लाइव भी करेंगे। मुझे बताइए मिड ब्रेन करने के बाद जो है अभी आंखें बंद करके दिख रहा है, तो इसके साथ साथ ऐसे क्या अलग कोई नए चीजें हैं जो वेदांत में वो नहीं थे, अभी 5 ही दिन हो गए हैं, तो ऐसे कुछ चेंज आपने क्या देखा है वेदांत में? 5 दिन में मैंने देखा है कि वो जल्दी उठता है और मेडिटेशन करता है, सुबह उठ के नहाने के बाद झट से मेडिटेशन के लिए बैठता है, और थोड़ा सा मुझे लगता है शांत हो गया है एज कम्पेयर टू अर्लियर, मुझे लगता है कि वो थोड़ा सा शांत हो गया है,
और मोबाइल मतलब वो जो ज्यादा यूज करता था वो थोड़ा कम यूज करता है, कम कर रहा है. ओके नाइस. हाँ. तो ये सभी पेरेंट्स की शिकायत होती है कि मेरा बेटा मोबाइल देखता है, टीवी देखता है, या फिर लेट उठ जाता है, या फिर अभी तो फिलहाल जो है मैम स्कूल जो है ऑनलाइन है. मैं चाहूंगा कि जब स्कूल खुल जाएगी ना और उसके जो भी एग्जामिनेशन रहेंगे वो आउट ऑफ स्कोर ही लेगा. सबसे बड़ी बात और सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा आज्ञा चक्र, और इसके पास जो बड़ी पावर है वो है मेमोरी, कॉन्सेंट्रेशन एंड इंट्यूशन. ये तीनों पावर बहुत बढ़िया है. ये तीन पावर जो है बच्चों के एक्टिवेशन होती है और वो रिजल्ट पढ़ाई के मामले में ये हो जाता है. और आज हमारे साथ एक ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने मिड ब्रेन एक्टिवेशन किया और उनको आज आंखें बंद करके दिख रहा है, जो मुंबई से बिलोंगिंग है, विरार से है. सर आपको कैसे पता चला मिड ब्रेन एक्टिवेशन, ये जो कंसेप्ट है बच्चे आंखें बंद करके देखते हैं, ये आपको कैसे पता चला, किसने आपको बताया ये चीजें? मेरे जीजा जो है विरार में, यस बोल करके, हाँ उनसे बताया कि आपका वीडियो देखा था आपने. अच्छा. तो उन्होंने बताया कि आप ये करके देखो या आपके लड़के भी पढ़ाई में होशियार होंगे. ओके. हाँ. तो आप मुझे बताइए सर, जब आपने पहली बार देखा या उन्होंने बताया तो आपको विश्वास था कि सच में ये काम करेगा, आंखें बंद करके दिख जाएगा, ऐसा आपको लगता था? पहली बार मेरे को नहीं विश्वास था, मगर उन्होंने मेरे को वीडियो दिखाया आपका. हाँ. तो वीडियो देखने के बाद मेरे को लगा मेरी भी लड़की कमजोर थी. हाँ. तो कल सकती ऐसा मैं सोचा. बरोबर. यस. ये सभी को कहना चाहूंगा कि मयंक और आर्या ये दोनों भी अभी रेगुलर हमारा जो वीडियो कोर्स है वो कर रहे हैं और डेलीगेटली यानी वो 100% दे रहे हैं और उनको अभी आंखें बंद करके दिख रहा है. आंखें बंद करके उसको क्या क्या आता है? उसे आंखें बंद करके पढ़ना आता है. हाँ. सब कुछ जो हम उसको बोलते हैं वो सब कुछ वो बोलती है जो हाथ में है वो सब. हाँ, सब कुछ बता देती है. वेरी नाइस. उनका कोर्स है, उसमें से अभी कौन सा देखा आज आपने? 11th. ओके, 11th डे यानी 11 दिनों में. आप मुझे बताइए सर या मैम कि बच्चों में आपने क्या बदलाव देखे हैं, उनके स्वभाव में, उनके जो भी कुछ चीजें आपने अनुभव किया कि ये 11 दिन में उनके अंदर ये चेंज आए हैं, ऐसे क्या क्या चेंज हो सकते हैं? आर्या में बहुत बदलाव हुआ है. बदला हुआ है, क्या बदला हुआ है सर? हम थोड़ा सा भी है. हाँ? हमें सब सुनती है, पहले ज्यादा सुनती नहीं थी. यस यस यस. सुनती नहीं है. हाँ. और जो बोलेगा वो करती है. वो करती है. ओके. इनका मैं पूछना चाहूंगा, ये क्वेश्चन में नॉर्मली जब इंटरव्यू लेता हूँ हमेशा ये क्वेश्चन पूछता हूँ, इनका टीवी मोबाइल देखना कम हुआ है क्या सर कोर्स के दौरान, जब हम 11 दिन का जर्नी कर रहे हैं, टीवी मोबाइल का क्या है? अभी 11 दिन हो गया, टीवी और मोबाइल देखते ही नहीं है. खाली टीवी पे अपन अपना जो एक रचना है वही देख रहे हैं. अच्छा अच्छा. इससे पहले देखते थे टीवी ज्यादा कुछ ऐसा? इससे पहले देखते थे टीवी, रिमोट ही नहीं छोड़ती. रिमोट छोड़ते नहीं. देखिए सभी यहाँ पे सुन सकते हैं, आर्या जो रिमोट ही नहीं छोड़ती थी और आज उसने पूरी तरह से 11 दिन टीवी नहीं देखी है. तो ये सबसे बड़ा बदलाव है जिससे हम कह सकते हैं कि ये जो एक्सरसाइज है ये मेडिटेशन से ये मुमकिन है. तो मैं सभी से कहना चाहूंगा यहाँ पे कि जिनको भी अपने बच्चों को टीवी और मोबाइल से छुटकारा चाहिए ना, तो इट इज अमेजिंग प्रोग्राम जो सर ने आपने अनुभव लिया है. हमारे स्टूडेंट है जो फॉरेन कंट्री से बिलोंगिंग करते हैं, यस बांग्लादेश से है, और मैं बताऊं कि इन्होंने हमारा ऑनलाइन मिड ब्रेन एक्टिवेशन का वीडियो कोर्स किया है. क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मुबीन. मुबीन है. मुबीन आप कहाँ से हो, कौन से सिटी से हो? यू आर इन विच सिटी? मैं हूँ बांग्लादेश से और यहाँ पर एक सिटी है सावा ढाका, हम वहाँ पर रहते हैं. अरे वाह, ग्रेट ग्रेट ग्रेट. आप मुझे बताएं मैम, आपको मिड ब्रेन एक्टिवेशन के बारे में कैसे पता चला, कहाँ से आपने देखा इसको, कहाँ से आपने जाना, कहाँ से पता चला मिड ब्रेन के बारे में? मिड ब्रेन एक्टिवेशन के बारे में पहले मेरा हस्बैंड मेरे को इंट्रोड्यूस किया, लेकिन इससे पहले हम लोग मेडिटेशन करते थे, बस मेडिटेशन.
5 times a day we would do the meditation. Wow. पर उसके बाद मेरे हस्बैंड ने मेरे को बोला, आपका नंबर दिया, बोला ये इस इंसान को कॉन्टेक्ट करो, ये मीडियम एक्टिविटी सिखाता है, ये करने के बाद इंसान थर्ड आई से यानी पिनियल ग्लैंड से देख सकता है. तो मैं तो मेरे को विश्वास नहीं, तो मैं तो अच्छा ओके ठीक है मैं ये करेगा, मैं कॉन्टेक्ट कर, फिर मैंने आपको कॉन्टेक्ट किया. ओके, तो आपको उसने मेरे को नंबर दिया, उसके अपू ने, मेरा हस्बैंड ने. अच्छा अच्छा, तो आपने YouTube पे देखा और YouTube पे देखने के बाद आपने हमें कांटेक्ट किया. घर में कितने दिन के बाद आपके मोबिन को दिखाई देने लगा, कितने दिन बाद? एक सप्ताह जब मैंने किया मेडिटेशन, एक सप्ताह जब मेडिटेशन किया, सिक्स दिन में जब मैं उसको कलर दिखाता था, जब भी मेडिटेशन देता मैं उसको कलर इंट्रोड्यूस करता था अबाउट द कलर्स, तो वो मेरे को बोलता था कि ये कलर, लेकिन मेरे को विश्वास नहीं होता था. I would not because I'm not believe it. मैं बोलता था कैसे देख, कैसे हो सकता है, मैं बोला आप सचमुच बोल देख सकते हो, बोलता था हाँ मैं देख सकता हूँ. आपको विद इन वन वीक यू वुड एबल टू रिकॉग्नाइज द कलर्स, देन रिकॉग्नाइज द अल्फाबेट्स ए बी सी. आई मेक सम कार्ड्स, मैंने थोड़ा कार्ड बनाया था उसके ऊपर नंबर और एबीसी लिखा था, वो रिकॉग्नाइज करता था, लेकिन मेरे को विश्वास नहीं होता था, विश्वास नहीं होता था यानी ऐसे कैसे हो सकता है. तब मैंने उसको पूछा कि आप सचमुच देख सकते हो बोन मार्क से, वो बोलता हाँ माँ मैं देख सकता हूँ. मैं बोला तुमको कैसे अनुभव होता है, बोलता मेरे को इधर वो रंग आता है उसका कलर आता है और फिर वो जो अल्फाबेट है उसका ये उसको अल्फाबेट वो सामने है ऐसे ये होता है, प्रकाश हो जाता है, प्रकाश हो जाता है. फिर मैंने उसको कॉटन देख के फिर मैंने खुद ट्राई किया सर, मैंने खुद ट्राई किया कि नीचे से देख सकता है कि नहीं. तो मैंने ट्राई किया, फिर मैं खुद बंद करके देखा कि नीचे से तब जब हम लोग कॉटन कुछ देता है तो कोई कुछ भी दिखाई नहीं देता है, यू कैन नॉट सी एनीथिंग, इट्स कंप्लीटली ब्लैंक, इट्स डार्क. बट दिस इज लाइक इट्स वेरी सरप्राइजिंग, लाइक अनबिलीवेबल दैट वी कैन सी विद विद क्लोज आईज. यस यस यस, इट्स वेरी एक्साइटिंग. या या, लेकिन मीडियम एक्टिवेशन करने के बाद, मेडिटेशन करने के बाद उसका कॉन्फिडेंस बढ़ गया है, ब्रेन पावर बढ़ गया है, एंड ही इज नॉट लेजी लाइक बिफोर. और जो भी पढ़ता है याद रखता है, तुरंत याद रह सकता है, पहले याद नहीं रहता था, भूल जाता था, इट वुड टेक टाइम फॉर हिम फॉर द लेसन, बट नाउ इट्स इंप्रूव, टू मच इंप्रूवमेंट इज देयर इन हिज स्टडीज. बरोबर. अभी देखो कितने सारे पेरेंट्स है, वो आपने लगभग आपने कई इंटरव्यू देखे होंगे, मैं हमेशा कहता हूँ मेमोरी बढ़ती है मिड ब्रेन एक्टिवेशन से. सबसे पहला अगर कोई फायदा मिड ब्रेन एक्टिवेशन का है वो है मेमोरी, स्मरण शक्ति के ऊपर काफी मात्रा में बच्चों की बढ़ जाती है, मेमोरी बहुत इंप्रूव होती है. सर इतना डेवलपमेंट बच्चों का हुआ है. सार्थक हमारे साथ है, उनके पेरेंट्स हमारे साथ है, वो आज आपके साथ जुड़ने वाले हैं, बात करने वाले हैं. और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि सार्थक जो है क्वांटम स्पीडिंग मतलब फ्लिप करके किताबें भी पढ़ रहा है. आपका नाम बताइए, आप कौन से स्कूल में पढ़ते वो भी बताइए. और आप? मेरा नाम सार्थक संतोष मिश्रा है. अच्छा. मेरे स्कूल का नाम सार्थक, मेरा स्कूल का नाम ZB प्राइमरी स्कूल सोमदारा है. मैं भेंडे में रहता हूँ. भेंडा तालुका नेवासा जिला अहमदनगर. ओके, सो ये भेंडा मानो अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र यहाँ का है पढ़ने की. सर मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपको कैसा पता चला मिड ब्रेन के बारे में, मिड ब्रेन एक्टिवेशन न्यूरोसाइंस है, इसके बारे में आपको कैसे पता चला? यूट्यूब पे आपके वीडियो देखे. हाँ हाँ. ऐसे मैं सर्च कर रहा था तो मिड ब्रेन एक्टिवेशन का कोर्स के बारे में मुझे पता चला और बहुत सारे बच्चे देखे जिनको मिड ब्रेन एक्टिव हुआ था और वो कैसे एक्टिविटीज कर रहे थे, तो हमें भी ऐसा लगा कि हम हमारे बच्चे का ये कोर्स जरूर करेंगे, आपसे संपर्क किया और फिर ये कोर्स ज्वाइन किया. ओके, सार्थक के पेरेंट जो है एज अ टीचर उनका प्रोफेशन है, वो स्कूल में पढ़ाते हैं बच्चों को, टीचर है, जो कोर्स है वीडियो कोर्स है वो किया. उस करते समय आज सार्थक को कितने दिन बाद आंखें बंद करके दिखाई देना शुरू हुआ? तीसरे दिन उसकी आंख खुल गई और वो रीडिंग करने लगा. अच्छा. मानो छोटे छोटे अल्फाबेट्स, स्मॉल लेटर्स, कैपिटल लेटर्स, 1 to हमने 50 तक नंबर लिए थे वो. अच्छा. मराठी में कुछ लिए थे, कुछ इंग्लिश. अच्छा. में लिए थे नंबर्स उसके. ओके, तो ऐसी आंखें बंद करके वो बता रहा था. पहले हमें विश्वास नहीं हुआ कि शायद इसे नीचे से दिख रहा है कि आंखों पे पट्टी है, लेकिन जो साइड में थोड़ा डिस्टेंस रह जाता है ना. हाँ हाँ हाँ. उससे दिखाई देगा शायद, ऐसे लग रहा था. लेकिन बाद में हमने कॉटन लिया. हाँ हाँ. कॉटन भी लगाया उसके अंदर फिर. अच्छा. और 2-3 दिन से लगाई.
फिर okay, okay. फिर भी वो पढ़ने लगा। अरे वाह, पहली बात तो ये, जब सर ने और हमने ऑनलाइन यूट्यूब पे जो देखा ना वीडियो, हमें भी विश्वास नहीं था। और मेरा बेटा जो ज्यादा चंचल है ना, वो कम हो जाए, सिर्फ हमें इस रिजल्ट की अपेक्षा थी कि हाँ उसका जो खुद इंस्पायर होकर नहीं कर रहा था ना, तो वो करे। ये थर्ड आई की तो उम्मीद नहीं थी सच में। अच्छा। लेकिन सर भी बोल रहे थे कि ना वो सिर्फ एक जगह पे ज्यादा देर तक बैठे, चंचलता उसकी कम हो जाए, तो भी हमें रिजल्ट आएगा, समझो, खुश हो जाएंगे हम। लेकिन बाद में उसका थर्ड आई जो ओपन हुआ और उसने जो हमारे सामने जो चमत्कार बोलो वो जो दिखाया ना, तब हमें पूरा यकीन हुआ कि सच में इसकी थर्ड आई ओपन हुई है और वो पढ़ रहा है सब कुछ। दो दो पट्टिया उसके आंखों पे लगाई, उसके नीचे कॉटन भी लगाया और फिर देखा तो फिर हमें भी मालूम पड़ा कि वो सच में देख रहा है, उसको सब कुछ दिख रहा है। लेटर्स भी पहचानता है, कलर पहचानता है, और पाव के नीचे भी यदि हमने कुछ कार्ड वगैरह डाले तो वो भी वो पहचान सकता है। अरे वाह, यानी पैर से भी वो रीडिंग कर रहा है। हमारे साथ एक ऐसे स्टूडेंट है जिन्होंने मिड ब्रेन एक्टिवेशन करके आज जो है उनके अंदर काफी डेवलपमेंट आया है। एक साल पहले उन्होंने मिड ब्रेन एक्टिवेशन का लाइव ट्रेनिंग लिया था, आज जो है मिड ब्रेन एक्टिवेशन को वो डेली मुझे वीडियोस भेजते हैं। सर एक्चुअली सर मुझसे जुड़े हैं, उन्होंने फ्रेंचाइजीज भी लिया है, यानी उन्होंने लॉकडाउन में काफी सारे बच्चों को भी ट्रेन किया है। और मैं जरूर कहूंगा कि आज ये वीडियो आप देख रहे हो तो ये आपकी लाइफ बदल देने वाला है। सर आपको कैसे पता चला कि मिड ब्रेन एक्टिवेशन जैसा साइंस या फिर ऐसा कोर्स होता है, आपको कैसे पता चला था? आप क्लास लगाने से पहले आपको मैंने आपका यूट्यूब पे एडवर्टाइजमेंट देखा था सर आपका। ओके। आपके बहुत सारे उधर वीडियो थे या और वीडियो देखने के बाद मुझे मेरे माइंड में तो एक ख्याल आया, लेकिन हमारे भी बच्चे का नहीं क्या फोन पढ़ना जरूरी है। यस यस यस, इसीलिए मैंने आपका एक बार वीडियो भी यूट्यूब पर देख रहा था। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ मेरे माइंड में ऐसा ख्याल ना सीखना चाहिए, लेकिन 8-10 दिन में वो आपका फेसबुक पर मैंने ऐड देखा। यस यस यस, यानी तुरंत मैंने आपको कॉन्टेक्ट किया। ओके ओके, ग्रेट ग्रेट। नंदिनी से पूछेंगे, नंदिनी 20 प्रोग्राम का जब आपने अनुभव लिया तो आपको कैसा लगा, मिड ब्रेन एक्टिवेशन का कोर्स आपको कैसा लगा? नंदिनी आप ले कैसा? अच्छा था। अच्छा, क्या क्या उसमें अच्छा लगा आपको? पहिल्यांदा स्टडी करायला खूप कंटाळा यायचा, पण जेव्हा का नाही ते मेडिटेशन करायला लागले तेव्हापासून म्हणजे स्टडी मध्ये हे यायला लागलं, उत्साह यायला लागला, गुरु वाटायला लागली। ओके, नंदिनी बता रही ओके ग्रेट, नंदिनी बता रही थी। अच्छा अच्छा, पटकन घूम झाला, म्हणजे हेल्प होती त्याने। ओके नाइस नाइस नाइस। गांव से जुड़े हैं, हिंदी थोड़ी आती नहीं है, मराठी में बता रहे हैं कि हमें पढ़ाई में जब करते हैं तो उत्साह आता है और पढ़ाई करते समय जो एंजॉय है वो अलग ही लेवल का है। यस ग्रेट। मेडिटेशन करने का सबसे बड़ा बेनिफिट है, हम आज्ञा चक्र के ऊपर काम करते हैं, हमारा जो थर्ड आई चक्र है उसका कार्य है मेमोरी, इंट्यूशंस, कॉन्सेंट्रेशन, ये पावर बढ़ती है बच्चों की। सर आपको क्या बदलाव दिखा नंदिनी में, तुम्हाला काय वाटलं नंदिनी में, क्या आपने चेंज देखा यहाँ पे? जब आप एक साल से नंदिनी रेगुलर प्रैक्टिस कर रही है, आपके काफी सारे वीडियोस में मुझे मिलते हैं कि नंदिनी ये किया वो किया, मैं काफी पेरेंट्स को भी वो फॉरवर्ड करता हूँ, तो आप में ऐसा क्या चेंज देखा है नंदिनी मिड ब्रेन एक्टिवेशन करने के बाद? एक्चुअली सर पहले उसका थोड़ा कॉन्फिडेंस भी थोड़ा कम था, कॉन्फिडेंस उनमें अभी कॉन्फिडेंस पूरी तरह कॉन्फिडेंस आया है उसके। अरे वाह, दिस माय वन ऑफ द फेवरेट स्टूडेंट की उसने मिड ब्रेन एक्टिवेशन में इतनी मास्टरी की है कि इसके साथ कोई कंपटीशन नहीं कर सकता है। ऐसा बच्चा जो स्कूल में हमेशा फर्स्ट आता है, ऐसा बच्चा जो अपने मम्मी पापा का हर एक कहना मानता है, उनके मम्मी पापा कहते कि हमारे जैसा बच्चा मानो कि उनका जो उनके तरफ देखने का, अपने बच्चों की तरफ देखने का नजरिया पूरा अलग है,
और मैं कहता हूँ कि इट इज समथिंग कि वो रोल मॉडल जैसा है, ऐसा एक शख्स हमारे साथ है। तो मैं चाहता हूँ कि आप जिस इस प्रोग्राम को देख रहे हैं तो जोर से क्लैप बजानी है, वेलकम करना है। वी हैव अ वन ऑफ द फेवरेट माई स्टूडेंट एंड हिज नेम इज केदार। तो केदार के लिए जोरदार क्लैप कीजिए। वाह वाह केदार, बोलिए सर। मेरा नाम ज्ञानेश्वर रामपुरकर है। हाँ, मेरा नाम ज्ञानेश्वर रामपुरकर है। हाँ, आप कौन से सिटी से हो? आवाज क्लियर आ रही है। औरंगाबाद से हूँ मैं। अच्छा, औरंगाबाद। जी हाँ, मैं औरंगाबाद महाराष्ट्र से हूँ। अच्छा अच्छा, गारखेड़ा परिसर में रहता हूँ। मेरा प्रोफेशन जो है, मैं एक प्राइवेट जॉब करता हूँ। ओके, नाइस। जी हाँ, और मेरा जो लड़का है, इसका नाम है केदार रामपुरकर। अभी MIT हाई स्कूल संस्थान में पढ़ रहा है, 9th स्टैंडर्ड में अभी वो पढ़ रहा है। आपको कैसे पता चला था और आपने कैसे सोचा था कि हम इसका करने के बाद कैसा फायदा होगा? आपके पहले माइंड में ये कैसे आया था कि मिड ब्रेन एक्टिवेशन क्लास हमें लगाने? आपको कैसे पता चला मिड ब्रेन एक्टिवेशन के बारे में? जी हाँ, बताना चाहूंगा कि मोबाइल पे जो है, नेट में सर्च करते करते एक दिन मैंने ढूंढ लिया था कि मिड ब्रेन एक्टिवेशन ऐसा कुछ वीडियो है, उसके कोर्सेस है। तो उसमें देखा था मैंने कि बच्चे के स्किल उसमें क्या क्या बढ़ते हैं, कॉन्फिडेंस कैसे आता है। तो जब से मुझे पता चला था, आंखें बंद करके कितने दिन आया था, कितने दिन के बाद उसको आया था दिखना? जी हाँ, आपके क्लास में जब ज्वाइन किया था तो लगभग 2 ही दिन में उसका जो है थर्ड एक्टिवेशन हुआ था। बरोबर, जो कि उसमें प्रैक्टिस करके भी मैंने जैसा गाइडेंस दिया है वो करके 2 दिन में एक्टिव हुआ। तो आप मुझे बताइए सर, आप मिड ब्रेन एक्टिवेशन करने के बाद आपको बस आंखें पट्टी बांध के इतना ही फायदा हुआ कि केदार के अंदर और भी कई इम्प्रूवमेंट आए, कुछ चेंज उसके अंदर आया? तो ऐसे कौन से चेंज हो सकते कि आपने देखे? अभी 2.5 साल हुए आपको मिड ब्रेन एक्टिवेशन करने के बाद, तो केदार के अंदर ऐसे कौन से बदलाव आपने देखे हैं? क्या क्या बदलाव? उसमें तो बहुत सारे बदलाव हुए, जो कि पहले समझे उसको बाहर कहीं बात करना हो वो शर्माता था, अगर कोई पढ़ाई करना हो तो पढ़ाई में थोड़ा उसको डर लगता था, कोई सर टीचर कुछ बोले तो उसको थोड़ा बुरा लगता था। तो फिर जब से ये कोर्स किया है तब से उसका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ गया है, कैसे किसको बात करना है उसका भी उस लाइन में पता चल गया है। तो इस तरह से कोर्स करके ही उसने प्रोग्रेस हासिल किया है। प्रोग्रेस हासिल किया, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। कि आपका नाम क्या है पूरा, आप कहाँ से हो, आप कौन सी कक्षा में पढ़ते हो और आपने जो है आपके बारे में थोड़ा कुछ सभी को बताओ। सर मेरा नाम यश शैलेंद्र नौसुपे है। या? मैं पुणे वाकड़ इधर रहता हूँ। पता, यश के पापा उनके साथ हैं। सर आपने कैसे देखा था, कैसे पता चला था मेरे बारे में कि ऐसा एक कोर्स होता है? या फिर ये भी बताइए कि आपने कैसे विश्वास रखा हमारे ऊपर कि सच में ये काम करेगा? तो आपके दिमाग में क्या आइडिया आई थी ये करने से पहले, कोर्स करने से पहले? मैंने एक बार देखा था ये आपका जो कोर्स है, पुणे में हो गया था, आपका लाइव कोर्स हो गया था। बरोबर, मेरे फ्रेंड है एक, उनके लड़के ने ये बोला था कि ये कोर्स ऐसा ऐसा है। मैंने खाली सुना था, ये सुना था लेकिन देखा नहीं था। और एक टाइम ऐसे ही मैं आपका देखा, मैंने वहां पर आपका आया था कि अगर आपके लड़के करना चाहते हैं तो आपका नंबर भेज दीजिए। हाँ हाँ, तो आप मुझे कांटेक्ट करें। कांटेक्ट में गए। 2 दिन के बाद आपका मुझे फोन आया। यस यस, कि अगर आप इंटरेस्टेड है तो ऑनलाइन आप कर सकते हैं, करके कर सकते हैं। आपने घर बैठे किया है, कितने दिन बाद इनको आंखें बंद करके दिखाई देना शुरू हुआ था? 4 या 5 दिन के बाद इनका हो गया था। ओके, 4 या 5 दिन में उनको आंखें बंद करके दिखना शुरू हुआ था। तो यश आप मुझे बताओ, आपने कोर्स किया है, आज आपको आंखें बंद करके दिखता है, तो आप ऐसे कौन सी चीजें अब तक आपने किया है जो आंखें बंद करके एक नॉर्मल बच्चा नहीं करता है, जो आप आज आंखें बंद करके करते हो, ऐसे क्या क्या चीजें हैं जो आपने अभी तक किया है? मैं ड्रॉइंग कलर कर सकता हूं। वाओ, नाइस। रीडिंग कर सकता हूं। रीडिंग कर सकते हो, लिख सकते हैं, सब मतलब सब पहचान सकता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ। सब कुछ कर सकता है, वाह वेरी नाइस। यश अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन कि आप जो है आपकी थर्ड आई ओपन हो गई है और काफी जल्दी हो गई थी और वो सभी चीजें आपको आ रही है। मैं नेक्स्ट सवाल उनके पापा से पूछना चाहूंगा। सर आपने ये कोर्स किया, आपने जो अनुभव लिया है, तो आपको अपने बच्चों के अंदर क्या क्या चेंज आपने देखा है? कोर्स जो भी आपने किया है,
क्या बच्चों में इम्प्रूवमेंट हुआ है, ये सभी को आप बता सकते हैं कि क्या क्या आपने चेंज देखा है बच्चों में? चेंज यानी कि थोड़ा वो पहले जो मस्ती वगैरह ज्यादा करता था वो अभी कम हो गया, कम हो गया। काम थोड़ा कम, काम हमारे सुन रहा है वो, यानी कि एक आधा काम उसको बोलेंगे हम लोग, अच्छा वो इमीडिएटली करता है। और टीवी देखने का थोड़ा सा कम हो गया, कार्टून वगैरह जो ज्यादा देखता था। अरे वाह, नाइस नाइस। पहले के जमाने में क्या होता था कि हम खेल में या फिर फिजिकली जो चीजें होती है उससे हम ज्यादा जुड़े थे, लेकिन अभी जो पूरा डिजिटल हो रहा है, आज स्कूल्स भी डिजिटल हो गए या फिर घर पे बैठे होते हैं, उनका काफी वक्त ये होता है, तो वहां पे डिस्ट्रैक्शंस काफी है, और उस डिस्ट्रैक्शन को बचने के लिए हमें मेडिटेशन करना जरूरी है। क्योंकि मेडिटेशन करने के बाद अगर हमारे विचार कंट्रोल है तो हम लाइफ में अच्छे डिसीजन ले सकते हैं, हम पढ़ाई में बेहतर हो सकते हैं, और गलत आदतें जो होती है ना वो हमें नहीं लग सकती क्योंकि मन कंट्रोल है। तो मेडिटेशन करना हमेशा जरूरी है, और आपने ये भी देखा हेल्थ भी हमारी अच्छी होती है मेडिटेशन करते समय, हमने रीकी का भी प्रोग्राम आपको बताया है। अगर कोई कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, क्या है उनमें ऐसा जो मुझ में नहीं, झांक ले अपने भीतर खुद से आ पूछ ले, कैसी चाहे जिंदगी खुली आंखों से देख ले, मुट्ठियों का खींच दे, सांसों का खींच दे, मुट्ठियों का खींच दे, सांसों का खींच दे, सबसे टकराने को शिखर पर जाने